देखिए एक ये एक नई तरकीब है फंड रेजिंग का, एक नया किस्म का एक मेथड है। स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शंस बहुत कम हुआ करते थे, फिर मेरे फाउंडेशन ने तीन ऑक्शंस रखे, डिग्विजय ने और काठीवाड़ फाउंडेशन ने अभी तक चार ऑक्शन शायद रखे हैं। और इससे एक ये एक नया ट्रेंड निकल रहा है कि लोगों को अब महसूस हो रहा है कि स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया कैन ऑल्सो बी वैल्यूबल। और ये तब वैल्यूबल होता है जब एक देश में स्पोर्टिंग ट्रेडिशन होता है। मिसाल के तौर पे इस ऑक्शन में कबड्डी के पीसेज हैं। अब कबड्डी के पीसेज दो साल पहले हमको दिखाई नहीं देते थे किसी स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन में, लेकिन इस बार कबड्डी के पीसेज इसलिए हैं क्योंकि कबड्डी इज़ नाउ बिकम अ नेशनली टेलीवाइज स्पोर्ट। और मेरे हिसाब से इट्स अ इंटरेस्टिंग पीस, क्योंकि 10 साल बाद शायद आपको आप कहे कि यार जब कबड्डी पहले सालों में बड़ा हो रहा था यहाँ पे, तो मेमोरेबिलिया कहाँ पे था। सो आई थिंक दैट ये जो मेमोरेबिलिया का एक किस्सा है, मिसाल के तौर पे 1960-70 के इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स के पास मेमोरेबिलिया है ही नहीं, लेकिन अगर ये स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन कल्चर हुआ करता था उस वक्त, देन ऑल दो स्टाफ वुड हैव बीन देयर। इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ पीस ऑफ द पास्ट, इट्स अ पीस ऑफ स्पोर्टिंग लेगेसी, एंड वी शुड नॉट लेट दैट गो। आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द लेगेसी ऑफ स्पोर्ट।